तो आज सत्ता में सवाल यही कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है, क्यों वो नेता कश्मीर नहीं जाते जो लखीमपुर जाना चाहते हैं। वैसे थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका, सीतापुर से लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित किसानों के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम भी राहुल प्रियंका के साथ में हैं और इस पर बात करने के लिए पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, सबसे पहले कहां जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले पत्रकार रमन कश्यप के घर पर वो जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लगभग आधे घंटे पहले सीतापुर से चल चुके हैं प्रियंका और राहुल अपने काफिले के साथ, और यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राहुल, ये देखिए, यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पर जबरदस्त पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रख रहे हैं। पूरी कोई कोताही दो चीज समझना चाहते हैं, इसका पूरा खास ख्याल रखा जा रहा है। और जी जी पुनीत, इतना समझना है कि प्रशासन की तरफ से दो जगह जाने की परमिशन है, क्या राहुल गांधी या उनके समर्थकों की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी है कि सिर्फ दो जगह जाएंगे या बाकी जगह भी जा सकते हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो सिर्फ दो जगह जाने की बातचीत चल रही है, लेकिन एंड टाइम पर अगर वो प्रोग्राम चेंज करते हैं तो ये प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि जो दोनों घर हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, यानी कि जो पत्रकार रमन कश्यप का घर है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दूसरा घर है, तो ऐसे में यही कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल दो जगह ही वो जाएंगे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है कि अगर वो कहीं और मूव करते हैं तो उनकी सुरक्षा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राहुल जी, पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में दहशतगर्दों की कमर टूटी, कश्मीर की घाटी में शांति का पैगाम देने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। ये बात दहशतगर्दों के लिए दिल में शूल की तरह चुभ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि हम बात कश्मीर की कर रहे थे, फिर अचानक लखीमपुर चले गए और फिर वापस कश्मीर में आ गए। हम आज आपको कश्मीर, लखीमपुर खीरी और फिर से कश्मीर का वो तार दिखाना चाहते हैं जो तार नेता आपस में नहीं जोड़ पाते। कश्मीर की हम बात कर रहे हैं इसलिए पिछले कुछ दिनों में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। घाटी में कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने की कोशिशें शुरू हुई। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की शिकायत पर अनंतनाग में 40 कनाल जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। श्रीनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ 660 से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन हुआ। राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन हुआ। अपनी जमीन अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए दहशतगर्द 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश और साजिशें रच रहे हैं। इसी साजिश के तहत चंद दिन पहले कुछ उपद्रवियों ने अनंतनाग में भाटशीख मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। बॉर्डर पार बैठे आतंकी आका कश्मीरी पंडितों के जोश और देशभक्ति वाली सोच से डर गए हैं, इसीलिए लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और TRF जैसे आतंकी संगठन, माखनलाल बिंदू जैसे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर डर और खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। वो कश्मीरी पंतों को और हिंदुस्तानियों को वहाँ बसने नहीं देना चाहते, उनकी साजिश है। अंदर जो पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो घरों के अंदर छिपा हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले उसको बाहर निकालो, उसको नस्तनबूद करो, फिर पाकिस्तान को देखेंगे। बदकिस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, यह हमारे लिए शर्म की बात है। खुदा रहा जो लोग ये कर रहे हैं वो समझ जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।